डीडी की सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम आ गई है जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे जी हाँ साल 2024 के अंदर डी सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम लेकर आया है और क्या है इसके अंदर ये आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि चौंतीस हजार एक सौ सतहत्तर थर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी सेवन फ्लैट्स लेकर आए हैं ये सौ दो सौ फ्लैट नहीं है एक बड़े नंबर्स हैं जो कि एक आम आदमी का घर का सपना पूरा करने के लिए मुझे लगता है सफिशेंट नंबर्स है ख़ैर हाउसिंग नीड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है खैर ये नंबर हमेशा छोटे लगते हैं लेकिन जिस हिसाब से रेट्स लिकलेटिव हैं अगर आप दिल्ली के अंदर घर देख रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है तो इस सुनहरे अवसर को आपको कैसे बुनाना है आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा सबसे पहले कहाँ कहाँ कितने कितने फ्लैट्स हैं और किस रेट्स में हैं ये बताऊँगा फिर उनके सैंपल फ्लैट कहाँ हैं कहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं वो बताऊंगा उसके बाद सारी डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में कहीं मत जाइएगा लास्ट तक दिखेगा अगर आप वाकई में इस स्कीम के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ये कंप्लीट वीडियो आपको पूरी नॉलेज देगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है इससे रिलेटेड छोटी छोटी सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और अगर आपकी हाउसिंग की नीड है या रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो वो आपको हमारे चैनल पर एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलती है अनबायस्ड तरीके से मिलती है तो आगे इसी तरह बने रहें हमारे परिवार का सदस्य बने और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा बूस्ट करें और आप भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पा पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 थाउजेंड की इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ नमस्कार मैं हूं प्रदीप मिश्रा तो प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं नो तो बकवास डायरेक्ट काम की बात चलिए शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं सबसे पहले डिटेल्स ऑफ फ्लैट एंड टेंटेटिव रिजर्व प्राइस सबसे पहले सिरसापुर के ऊपर चलते हैं सिरसापुर की लोकेशन में एल फ्लैट है और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 700 हंड्रेड है और प्लिंथ एरिया जिसे सुपर एरिया भी कहा जाता है कॉमन एरिया के साथ में इंक्लूड करके तो इसका साइज है 35.76 से 36.39 स्क्वायर मीटर और टेंटेटिव प्राइस जो है इसका 17.41 लाख से लेकर 17.71 लाख के बीच में यहाँ डी डी स्पेशल डिस्काउंट लेकर आया है जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी उसको इन कैश करने के लिए इसका प्राइस रिड्यूस किया गया है 15 परसेंट से और 14.8 से 15.1 लाख रुपीस में आपको ये फ्लैट मिल सकता है उसके बाद आते हैं लोकनायकपुरम में लोक नायकपुरम में भी एल फ्लैट है और टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैट वन हैं है इसका जो प्लिंथ एरिया है वो 42 से लेकर 44.6 स्क्वायर मीटर के बीच है जिसका टेंटेटिव प्राइस है 26.98 से 28.47 लाख रुपीस है यहाँ पर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 10% का उसके बाद ये प्रॉपर्टी कॉस्ट करती है 24.3 से 25.6 लाख रुपीस अगली लोकेशन है रामगढ़ की रामगढ़ के अंदर एलआईजी फ्लैट है और ये टोटल नंबर 184 है 31.90 से 35.34 स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया है और जो टेंटेटिव प्राइस है वो 15.3 से 16.9 पॉइंट लाख रुपीज़ है यहाँ पर भी आपको एडिशनल 15 परसेंट डी डिस्काउंट दे रहा है जो कॉस्ट आपको करती है 13.1 से 14.5 पॉइंट लाख डी डी यहाँ डिस्काउंट दे रहा है कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री है उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए और कई बार मार्केट प्राइस को देखते हुए भी डिस्काउंट दिया जाता है तो डी ये स्कीम आपको डिस्काउंटेड दे रहा है नरेला जी पॉकेट की बात करें तो एल आई जी के फ़्लैट्स हैं टोटल नंबर फोर एटी टू है थर्टी थ्री से थर्टी फोर स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया है और टेंटेटिव प्राइस इसका 14 टू फोर्टीन पॉइंट वन लाख रुपीज़ होना चाहिए फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस जो है एलेवन पॉइंट नाइन से ट्वेल्व लाख रुपीज़ है नरेला जी एट में जाते हैं पॉकेट थ्री में एल आई जी फ्लैट है ट्वेल्व जीरो एट नंबर है नंबर काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं 33 से 34 स्क्वायर मीटर इसका प्लेन एरिया है 14 टू तो 14.1 लाख रुपीस इसकी टेंटेटिव प्राइस है जो कि डिस्काउंट के बाद 11.9 टू तो 12 परसेंट यहाँ फिफ्टीन परसेंट का डिस्काउंट इसमें एडिशनल दिया जा रहा है नरेला G7 और 8 पॉकेट 4 के अंदर एल आई फ्लैट्स हैं और थ्री टू सिक्स फोर बत्तीस सौ नंबर के टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं और जो इसका साइज़ है 49.9 स्क्वायर मीटर का है जो इसका प्राइस 23.19 लाख रुपीस का है और डिस्काउंट के बाद 15% परसेंट डिस्काउंट है उसके बाद इसका प्राइस 19.7 लाख रुपीस का पड़ता है नरेला G7 और 8 के अंदर पॉकेट 5 में एल फ्लैट 4048 नंबर है 49.9 स्क्वायर मीटर एरिया है 23.1 लाख रुपीस कॉस्ट होनी चाहिए 19.7 लाख रुपीस इसकी कॉस्ट है और 15 परसेंट डिस्काउंट के बाद दिया जा रहा है ये वहीं नरेला पॉकेट वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेक्टर जी टू के अंदर एल आई जी फ्लैट्स हैं और सेवन सेवन वन नाइन बहुत बड़े नंबर्स हैं सेवन सेवन वन नाइन टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है, है स्क्वायर मीटर एरिया फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन है ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन सेवन से ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव इसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी यहाँ टेन परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट दिया हुआ है उसके बाद ट्वेंटी पॉइंट नाइन जीरो से ट्वेंटी वन लाख रुपीज़ इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है वहीं बात करें तो नरेला पॉकेट सिक्स सेवन इलेवन में सेक्टर जी सेवन के अंदर एल आई जी फ्लैट है इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू नंबर्स के टोटल नंबर इतने हैं और फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन स्क्वायर मीटर एरिया है ट्वेंटी एट लाख रुपीज़ इसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू ये टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद दिया जा रहा है रोहिणी सेक्टर 34 और एंड के अंदर थर्ड और फोर्थ फ्लोर की प्रॉपर्टी जो है वो एल फ्लैट्स 603 नंबर्स नंबर हैं 33 से 34 स्क्वायर मीटर इसका प्लेथ एरिया है 14.1 से 14.4 लाख इसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी और 10 परसेंट डिस्काउंट के बाद इसको 12.7 से 13 लाख रुपीज़ किया गया है वहीं फोर्थ फ्लोर की प्रॉपर्टी थर्ड फ्लोर का रेट है फोर्थ फ्लोर की जो प्रॉपर्टी है उसमें फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट है जो कि ट्वेल्व से ट्वेल्व पॉइंट थ्री लाख रुपीज का ये कॉस्ट टोटल बैठेगा तो चलिए अब बात करते हैं रोहिणी सेक्टर थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव की जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर है इसमें एल आई जी फ्लैट्स है और टोटल वन ट्वेंटी थ्री फ्लैट है इसका प्लिंथ एरिया थर्टी थ्री से थर्टी फोर स्क्वायर मीटर का है और इसका प्राइस जो है फोर्टीन पॉइंट वन से फोर्टीन पॉइंट फोर लाख का है इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है तो यहाँ आपको 14.1 से 14.4 लाख का ही ये प्रॉपर्टी आपको पड़ने वाला है नरेला पॉकेट 1356 सेक्टर G2 इसके अंदर EW स्लट है टोटल 1384 फ्लैट्स है 34 से 35.1 स्क्वायर मीटर इसका प्लेन एरिया है 11.54 से 11.67 इसका प्राइस है इस पे भी कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया हुआ और वहीं बात करें 30 नंबर नरेला पॉकेट सिक्स सेवन एलेवन और सेक्टर जी सेवन की तो यहाँ पर भी ई डब्ल्यू एस फ्लैट हैं टोटल टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी है थर्टी फोर से थर्टी फाइव पॉइंट वन स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया है 14 लाख ,00 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है तो टोटल नंबर्स जो आ रहे हैं वो थर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी सेवन आ रहे हैं इतने सारे फ्लैट्स इस टाइम डी डी ए ने निकाले हैं जो कि अपने आप में रेट वाइज बहुत रिजनेबल कहूंगा लेकिन हाँ लेने से पहले आपको इन लोकेशंस पे जाना और खुद वेरीफाई करना बहुत जरूरी है तो चलिए अब समझते हैं कि कहाँ कहाँ इसके सैंपल फ्लैट बने हुए हैं जो कि आपको जाके चेक करने हैं सिरसापुर के अंदर एल फ्लैट का सैंपल फ्लैट नंबर सी टू टू सिक्स वन है या मिस्टर सुधाकर सेन और अभिषेक गुप्ता जी मिलेंगे वहीं लोकनायकपुरम की बात करें तो एल फ्लैट है फ्लैट नंबर फोर एट सेवन पॉकेट ए यहाँ सुधांशु जी आपको मिलेंगे जो आपको सैंपल फ्लैट विजिट कराएंगे रामगढ़ के अंदर एल फ्लैट है फ्लैट नंबर फोर यहाँ मिस्टर प्रशांत मिलेंगे आपको वो आपको सैंपल फ्लैट विजिट कराएंगे एक बात और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो ई e ब्राउशर है वो आपको दे रहा हूँ इसे आप डाउनलोड करके उसके आगे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप ज़रूर साइट विज़िट करने से पहले फ़ोन करके जाएं आप नरेला जी एट पॉकेट थ्री के अंदर एल फ्लैट है फ्लैट नंबर वन ब्लॉक ए ज़ीरो वन पॉकेट थ्री के अंदर और सेक्टर जी एट के अंदर इसी में नरेला जी सेवन एट पॉकेट फोर में भी एल फ्लैट है फ्लैट नंबर थर्टी टू ब्लॉक एफ पॉकेट फोर सेक्टर जी सेवन के अंदर नरेला जी सेवन एट और पॉकेट फाइव के अंदर एल आई जी फ्लैट फ्लैट नंबर फिफ्टी फोर ब्लॉक जी पॉकेट फाइव सेक्टर जी सेवन नरेला जी सेवन एट पॉकेट फाइव ई डब्ल्यू एस फ्लैट फ्लैट नंबर सेवन ब्लॉक ए टेन पॉकेट फाइव सेक्टर जी सेवन इन सब के अंदर आपको मिस्टर हितेश खत्री जी मिलेंगे और साथ में सत्येंद्र नारायण जी मिलेंगे ये आपको सैंपल फ्लैट विजिट कराएंगे नरेला जी टू पॉकेट टू के अंदर एल फ्लैट है ये इसका सैम्पल नहीं बना हुआ है नरेला पॉकेट वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेक्टर जी टू इसमें एल है सी जीरो नाइन पॉकेट वन ए ट्वेंटी एट पॉकेट फोर के अंदर और नरेला पॉकेट वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेक्टर जी के अंदर ई फ्लैट दो बने हुए हैं ई पॉकेट वन ई पॉकेट फोर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मिस्टर नितीश कुमार और मिस्टर विवेक कुमार ये आपको सैम्पल विजिट कराएंगे। अब बात करते हैं नरेला पॉकेट जी सेवन 11, सेक्टर जी सेवन लिग, और LIG फ्लैट है यहाँ फ्लैट नंबर नाइन ब्लॉक नंबर एफ़ पॉकेट सिक्स के अंदर फ्लैट नंबर एटीन ब्लॉक एफ पॉकेट सेवन के अंदर फ्लैट नंबर ट्वेंटी सेवन ब्लॉक F पॉकेट एलेवन के अंदर और नरेला पॉकेट जी सेवन इलेवन सेक्टर जी सेवन में ई डब्ल्यू एस का यहाँ पर भी दिया हुआ है फ्लैट नंबर थ्री ब्लॉक ई वन पॉकेट सिक्स फ्लैट नंबर वन ब्लॉक ई वन पॉकेट सेवन फ्लैट नंबर फाइव ब्लॉक ई सिक्स पॉकेट नंबर इलेवन यहाँ मिस्टर हितेश खतरी और सत्येंद्र नारायण जी आपको ये सारी चीज़ें विजिट कराएंगे वहीं रोहिणी के अंदर अगर हम बात करें सेक्टर थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव के अंदर एल आई जी का फ्लैट है पॉकेट वन बी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर ग्राउंड फ्लोर पे है बी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पॉकेट टू में है डी वन का ट्वेंटी फोर ग्राउंड फ्लोर पे है डी वन का ट्वेंटी फाइव फर्स्ट फ्लोर पॉकेट थ्री में है बी वन थ्री ग्राउंड फ्लोर ये और साथ में बी वन का एट फर्स्ट फ्लोर पॉकेट फोर सी वन थ्री ग्राउंड फ्लोर और सी वन फाइव फर्स्ट फ्लोर ये सब आपको मिस्टर विशाल कुमार फैज़ान अहमद और गौरव शर्मा जी कराने वाले हैं इन सब के विज़िट आपको तो सैंपल विजिट ज़रूर कर लें और आसपास की लोकेलिटी को ज़रूर समझ लें कि सम जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसकी एक्चुअल में वो दिखता क्या है कितना एरिया है फील आप करके ही प्रॉपर्टी लें तो डी सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम टू फर्स्ट कम बेसिस पे और इसका डेट ऑफ़ एडवर्टीजमेंट जो पहले आ चुका है ट्वेल्व एट टू को हेल्प डेस्क ऑपरेशनल हो गया है ट्रेनिंग ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ट्वेंटी एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से ब्राउशर एवेलेबल हुआ है ट्वेंटी एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फ़ोर को ये डेट गलत है क्योंकि ये बहुत रात को देर में अपलोड हुआ है तो इसे ट्वेंटी वन एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ही कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा लेकिन इन्होंने यहाँ पर ट्वेंटी एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर लिखा हुआ है तो मैं आपको वही बता रहा हूँ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ये 22 टू एट टू से रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगी तो अभी टाइम है आपके पास 11 बजे से सुबह ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगी फ्लैट बुकिंग जो स्टार्ट होगी वो आपकी 10 नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को इलेवन एम पे शुरू होगी तो आपको ऐसा नहीं है इमिडियटली ही इसका फ़्लैट की बुकिंग शुरू होने वाली है पहले रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम मिलेगा उसके बाद आपके लिए फ़्लैट की बुकिंग शुरू होगी और ये स्कीम बंद होने वाली है थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को तो स्कीम लंबी है लेकिन आप वेट मत कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर बेसिस पे है जो पहले जाएगा उसको पहले मिलेगा तो आपको जो पसंद चीज़ है वो आप पहले जाके आप पहले अपनी बुक करवा सकते हैं चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सिटीज़न ऑफ इंडिया होना आपके लिए ज़रूरी है आपकी एज 18 इयर्स की होनी चाहिए आपने कंप्लीट कर लिया हो जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है उस तारीख को और यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब अगर पहले होता था कि अगर आपके पास पहले कोई प्रॉपर्टी है तो आप दूसरी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हाँ अगर ई का फ़्लैट ले रहे हैं तो वो दस लाख पर एन से आपकी फैमिली इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है और आप अपने जो पर्टिकुलर्स हैं सेविंग अकाउंट के वो भी आपको देने हैं और एप्लीकेंट के नाम का एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो मेंशन कर देने हैं परमानेंट अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना है वो भी इसके अंदर मेंशन है और साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ बाकी प्रोशर में साथ में दे रहा हूँ आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है इसके लिए डी डी ए डॉट जी ओ वी डॉट आई एन साइट पर जाना है या ई सर्विसज़ डॉट डी डी ए डॉट ओ आर जी डॉट आई एन पर जाना है और यहाँ अपने क्रेडिशल्स यूज़ करने हैं पैन और अदर डिटेल्स ये आपके लॉग इन की डिटेल्स हो जाएंगी इसी से आपको रजिस्टर करना है और रजिस्ट्रेशन में सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम टू थाउजेंड ट्वेंटी ये स्कीम का नाम है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंक्लूडिंग जी एस टी इसकी फीस है और अगर आप पहले दिवाली स्कीम के अंदर आपने रजिस्टर किया हुआ था या एफ सी एफ एस फेज़ फोर के अंदर रजिस्टर किया हो तो आपको फिर से रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है वही रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड होगा और ये प्रॉपर्टी सारी रेडी टू मूव कंडीशन पे है तो प्राइस लेआउट और फ्लैट पॉकेट ये सब चीज़ें लोकेशन के साथ आपको जाके पहले चेक कर लेनी है क्योंकि जैसा है वैसा की स्थिति में है तो आपकी बाद में इन चीज़ों की सुनवाई नहीं होगी आप पहले सभी चीज़ें चेक करने के बाद ही ये लें बुकिंग विल कमेंस फ्रॉम टेन नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये इसकी डेट है इस तारीख से बुकिंग खुलेगी इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ई डब्ल्यू एस के लिए आपका बुकिंग अमाउंट जो है फिफ्टी थाउजेंड है और एल आई जी के लिए वन लाख रुपीज़ है ये नॉन रिफंडेबल बुकिंग है अगर आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाती है तो नॉन रिफंडेबल होगा आपको बैलेंस पेमेंट करनी होगी अगर आप विड्रॉ करते हैं तब भी आपका बुकिंग अमाउंट फोरफीट कर लिया जाएगा अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ़ प्राइस ऑफ द फ्लैट की ये आपको पेमेंट प्लान जो है वो 60 डेज़ के अंदर आपको सारी पेमेंट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ़ डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जो अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कैश डाउन के और हायर परचेज़ के तो हायर परचेज़ में 25 परसेंट पेमेंट करनी होती है बाकी इंटरेस्ट के साथ आपको टाइम मिलता है कि आप उसको 15 इयर्स तक पे कर पाएँ तो चलिए अब बात करते हैं डिले uh, की कुछ क्लाजेज़ हैं डिले आप मत कीजिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा और डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड इन ऑनलाइन ये आपका हमेशा ऑनलाइन मोड पे होगा सक्सेसफुल एप्लीकेंट अगर आप हैं तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर रिलाइन ऑफ बुकिंग अमाउंट आपका डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाएगा जो पोजिशन अलॉटमेंट के बाद बिफोर पोजिशन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो एफिडेफिट है और एक अंडरटेकिंग है ये आपको मैं इसका जो डिटेल हैं ये आपको मैं नीचे ई ब्रोशर जो मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में वहाँ आप डाउनलोड करके उसका परफॉर्मा ले सकते हैं एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको जैसे आई प्रूफ है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट आधार कार्ड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिटी प्रूफ में ही जरूरत होंगी एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको पासपोर्ट आधार गवर्नमेंट आइडेंटी कार्ड इलेक्शन कार्ड राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस टेलीफोन बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल हाउस टैक्स रेसिप्ट वगैरह ये सब आपका एड्रेस प्रूफ में चलेगा और पैन कार्ड आपको यहाँ लगाना ज़रूरी है सेल्फ अटेस्टेड लोन सेंक्शन लेटर भी आपको बिफोर पोजिशन अगर कोई है तो देना पड़ेगा आपको लोन की कंडीशन बता दूँ लोन में लीन जो होगा वो डी होगा उस कंडीशन पे आपका ये लोन होगा कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट मेंशनिंग द नेम एंड अकाउंट नंबर फ्रॉम विच मार्जिन मनी अपार्ट फ्रॉम लोन हैज़ बिन डिपॉजिटेड टू डी डी एफ एनी ये कॉपी भी जिससे आपके पैसे कटे हैं जो आपने बुकिंग अमाउंट पे किया है उसकी कॉपी भी आपको लगानी है इन केस ऑफ ई डब्ल्यू एस कैटेगरी यहाँ आपको ई डब्ल्यू एस कैटेगरी केस में इनकम सर्टिफिकेट लगाना भी ज़रूरी है और टी डी एस सर्टिफिकेट अगर कोई एप्लीकेबल है तो वो भी डिपॉजिट करना आपको साथ में ज़रूरी है द टेंटेटिव डिस्पोजेबल प्राइस ऑफ द फ्लैट इज़ गिवन इन इनेक्शन ए वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है और ये प्लिंथ एरिया के ऊपर है प्लिंथ एरिया मतलब इंक्लूडिंग कॉमन एरिया ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मेंटेनेंस में आर डब्ल बनेगी आर डब्ल्यू के हिसाब से मेंटेनेंस होगी आर डब्लू को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और मैंटेनेस आर डब्ल्यू ए ही मैनेज करेगा लोन के बारे में बताया हुआ है कौन कौन से बैंक दे रहे हैं यह नीचे ई ब्रॉशर मैंने साथ में अटैच कर दिया है आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं और मेंटेनेंस जैसे मैंने आपको बताया ओनली वन आर डब्ल्यू विल बी रजिस्टर्ड फॉर वन पॉकेट विच विल बी कंसिडर्ड एज वन हाउसिंग स्टेट ऑल अलॉटीज ऑफ ईच पॉकेट शेल मैंडेट्री है कंसर्न आर डब्ल्यू ए आपको आर डब्ल्यू का मेंबर होना ज़रूरी है और मेंटेनेंस चार्जिज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द डिस्पोजल प्राइज ऑफ द रिफ्लेक्शन इन एनेक्शन ए ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन दी है मेंटेनेंस के डिपॉट जो क्लॉज है इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा आपको जो पोजीशन दिया जाएगा पोजीशन के टाइम पर पोजीशन लेटर विल बी इशूड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एंड द लॉटी हैज़ टू तो अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉर द रिक्वेजेड डॉक्यूमेंट्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं सारे ड्यूज क्लियर करने के बाद ही आपको पोजीशन दिया जाएगा आफ्टर द इशुएस ऑफ पोजिशन लेटर द एलॉटी डज नॉट टेक पोजीशन ऑफ द फ्लैट विद इन थ्री मंथ्स डेट ऑफ दी पोजिशन तो आपको वॉच एंड वार्ड चार्जेस एडिशनल पे करने पड़ेंगे तीन महीने अगर आप पोजिशन नहीं लेते हैं तो ये चार्जेस आपको एडिशनल पे करने पड़ेंगे और ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है इसका आपको कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन डेट रिजर्व करनी है उसी डेट पे आपका कन्विंस डीड एग्जीक्यूट होगा ये सब चीज़ें अब ऑनलाइन होगी आपके पास मेल पे सारी चीज़ें आएंगी सिर्फ एग्जीक्यूशन डेट पे आपको जाके कराना पड़ेगा जैसे यहाँ मैंशन है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन डीट विल बी रिजर्व बाई द एलॉटी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एलॉटीज आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कॉपी ई स्टैम्प पेपर ऑफ़ द रिकुजिड वैल्यू बिफोर द रिजर्वेशन ऑफ डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कन्विस्ट डीट ऑन द रिजर्व डेट एलॉटी विल हैव टू कम विद ऑल द ऑरिजनल डॉक्यूमेंट फॉर द दर्पज़ ऑफ वेरिफिकेशन आपको सारे ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं और ई स्टैम्प पेपर या उससे रिलेटेड कन्विंस डीट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो भी आपका होने वाला है ट्रांसफ़र को लेके यहाँ बहुत चीज़ें क्लियर की हुई है कि अगर आप ट्रांसफ़र सोच रहे हैं तो जिस नाम से आपको अलॉटमेंट हुई है उसी नाम से आपका कन्विंस डीड एग्जीक्यूट होगा बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी ये भी आपको पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है और ई कैटेगरी के लिए दिया है सिंस दी नंबर ऑफ कंसेशन आर बींग ऑफर्ड अंडर ई कैटेगरी वाइल वर्किंग दी प्राइज ऑफ द फ्लैट दी लॉटरी ऑफ ई डब्ल्यू एस के टैगरी फ्लैट वुड नॉट बी परमिटेड टू सेल ट्रांसफर अदरवाइज पार्ट ऑफ़ दिस पोजिशन ऑफ द फ्लैट इन एनी मैनर फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ओवर पोजिशन पोजिशन के पाँच साल के अंदर ई का फ्लैट ट्रांसफर नहीं हो सकता ये कंडीशन आप ज़रूर एक बार देख लें तो कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी और अगर डी के इस स्कीम से रिलेटेड और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालिए मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और उन सबको कंसोलिडेट करके एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके छोटे छोटे सारे डाउट्स क्लियर होंगे मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देता रहूं और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सबसे सस्ता हाउसिंग स्कीम जो है वो पहुँच पाए और वो इसका लाभ उठा पाए नमस्कार एंड जय हिंद